नमस्कार, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो पर सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कथित एमएमएस रविवार देर शाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि उनके कोटे के मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लगता है ये उसी अच्छे काम की झांकी है। मैं सीनियर एसपी से इतना ही कहना चाहता हूं कि एफआईआर बन्ना गुप्ता पर ही दर्ज होना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इसी गहराई से जाँच होनी चाहिए। कि अभी कुछ ही दिन पहले जो प्रभारी हैं कांग्रेस के पांडे जी, उन्होंने कहा कि सभी हमारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको वो अच्छा काम का नमूना मानेंगे इसको तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई करेंगे, इसलिए कांग्रेस के साथ का भी सवाल है। इधर बीजेपी भी मंत्री बन्ना गुप्ता सरकार और कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और कहती है कि कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इधर पूरे मामले पर झामुमो हनी ट्रैप की आशंका जता रही है। जी हाँ, इतना ही नहीं, झामुमो का आरोप ये भी है कि वीडियो भाजपा के ही सांसद के द्वारा जारी किया गया है। उन्हें ये कैसे मिला इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर ट्विस्ट आ गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कथित वायरल अश्लील वीडियो में नजर आ रही महिला अब सामने आई है। महिला ने इस पूरे प्रकरण को साजिश करार दिया है। महिला का कहना है कि वो मंत्री बन्ना गुप्ता को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती और ना ही कभी उनसे मिली है। महिला ने पूरे प्रकरण को गहन जांच करने की बात कही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कही है। बता दें कि महिला ने 58 सेकंड का वीडियो जारी कर अपना पूरा पक्ष रखा है। महिला ने कहा है कि फोटो वीडियो या वॉइस कॉल में मैं अपने पति के साथ चैट कर रही थी, मेरा वीडियो एडिट किया गया है, बहुत बड़ी साजिश की गई है। मैं नौकरी करती हूँ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे इन दिनों कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरा फोटो एडिट किया गया है। मैं मंत्री बन्ना गुप्ता को जानती तक नहीं हूँ। फोटो वीडियो वॉइस कॉल मैं अपने हस्बैंड के साथ चैट कर रही थी, वही सब कुछ एडिटेड मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि उसमें किसी ने कोई बहुत बड़ी साजिश किया है। फोटो मेरा मिसयूज किया गया है, फोटो में वीडियो मैं कभी बन्ना गुप्ता से मिली भी नहीं हूँ। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे घर वालों को बहुत बुरा हाल है कि इतना बड़ा सदमा मेरा घर वाला झेल नहीं पा रहा है। मैं दरखास्त करूँगी सब किसी से सोशल मीडिया से इस वीडियो को डिलीट किया जाए और प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसने भी मेरी छवि को खराब किया है या जो भी इसके पीछे है वो सामने आए, मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूँगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर जारी अश्लील वीडियो की अब फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। जमशेदपुर पुलिस ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इस पर मुख्यालय से भी सलाह मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो को भोपाल के फॉरेंसिक लैब में भेजने की जांच की जाएगी और कोर्ट की अर्जी मांगी गई है इस पूरे मामले को लेकर। जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया है कि शिकायतकर्ता से यूआरएल मांगा गया है। विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के यूआरएल की जांच की जाएगी, साथ ही वीडियो के वास्तविक यूआरएल की भी जांच होगी ताकि उसके स्रोत का पता चल सके। पुलिस सबसे पहले एफआईआर को कोर्ट भेजेगी ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। पुलिस सूत्रों की माने तो वैसे सभी लोगों से पूछताछ संभव है जिसने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया है। इधर एक और मामला झारखंड से ही उजागर हो रहा है, जहां रांची विधायक सीपी सिंह ने एक एफआईआर कराया है जिसमें उन्होंने अपने साथ सेक्सटॉर्शन की आशंका जताई है। पूरा मामला क्या है सुनते हैं। पुलिस इसको तत्परता दिखाए और तत्परता दिखा करके इसका उद्भेदन करे और इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। महिला ही थी सर जो वीडियो कॉल की, मतलब वो जो कॉल आया वो महिला ही थी, आवाज तो सुने होंगे ना? हाँ, महिला थी। चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक गंदे खेल में बदल जाती है। हर राजनीतिक दल अपने विरोधी दल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में इस 2 नए मामलों की पूरी सच्चाई कब तक सामने आती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी के खबरों के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।